एमपी विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश भर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसी कड़ी में अब वे बागली विधानसभा के पूंजापुरा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी मुरली भवरा ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के काउंटडाउन के बीच एक दिवसीय दौरे पर बागली विधानसभा के नगर पूंजापुरा पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बागली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुरली भवरा ठाकुर के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया कि बागली विधानसभा से लेकर मालवा निमाड़ व पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 150 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा सरकार व आगामी लोकसभा चुनाव में पुनः मोदी सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है तो तिहाई बहुमत से सरकार बन रही है और देवास जिले में हम सभी सीट जीत रहे हैं। मालवा निमाड़ के अधिकांश जिलों में 90% हम सीट जीत रहे हैं। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इंदौर जिले में 9 के 9 सीट जीतने वाले हैं। उज्जैन की सब सीट जीत रहे हैं, देवास की सब सीट जीत रहे हैं, मंदसौर की सब सीट जीत रहे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200% बन रही है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जिस तरीके से किसान, महिला, युवा आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इशू पे चुनाव लड़ना चाहिए। इशू क्या है आपका? डेवलपमेंट, ये इशू है भाई। गैर आदिवासी है, आदिवासी है, ये तो चुनाव आयोग के पास सब चले गए आप शिकायत कर लीजिए। आज चुनाव इशू बेस होना चाहिए, इसके आधार पर आप चुनाव लड़ते हैं। आपने आपकी शिकायत करना कर दीजिए चुनाव आयोग को, बाकी आइए मैदान पर उतरिए। आपने क्या किया आपकी सरकार से? 70 साल तक इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार प्रदेश में भी थी और केंद्र में थी। आपने क्या किया? हमने देखे वो बुरे हालत भी कि हम पढ़ते थे तो चिमनी में पढ़े, हम भोपाल जाते थे तो बस में 6 घंटे लगते थे, गड्ढे वाली सड़कें हुआ करती थी। पुंजापुरा आने में 5 घंटे लगते थे, आज हम 2-2.5 घंटे में आ जाते हैं। ये जो विकास हुआ ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस इन मुद्दे पर चुनाव होते हैं, ये कोई इशू है क्या कि आदिवासी है या नहीं है? वो तो देखा जाएगा। चुनाव आयोग को आपने शिकायत कर दी और बढ़िया चलिए कांग्रेस। इस मौके पर राष्ट्रीय कवि मुकेश मोलवा, बागली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मुरली भवरा, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष राम सोनी, सीतावन मंडल अध्यक्ष शैलेन्द्र अग्रवाल, बागली विधानसभा प्रभारी लक्ष्मी नारायण गोरा, जिला महामंत्री रूपेंद्र सिंह बग्गा व समस्त भारतीय जनता पार्टी के युवा वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उदयनगर। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू? हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। भाजपा सरकार।